जो भी है मैडम, देखो नॉलेज हमें इतना है नहीं, हम तो ये मानते हैं कि आदमी एक ही होना चाहिए और ऐसा आदमी होना चाहिए जो सबको समान बराबर अधिकार दे दे, कोई गरीब नहीं कोई अमीर नहीं, सबके पास एक जैसी पॉलिसी होनी चाहिए, सबके पास एक जैसा हक होना चाहिए। वो थोड़ा उनको रहेगा, बाकी क्या है, एक बार वोट दे देंगे उसके बाद अगर वो काम कर भी रही है तो भी अपना राज अपनी सत्ता हो जाएगा, क्योंकि बाहर ठीक है 5 साल तक तो अपना राज चले गई है, फिर चाहे इंसान मरो या करो कोई भी उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपना काम बनता है भाड़ में जाए जनता। चलता हूँ कि नेताओं को जब तक ये लगता है ना कि मैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे जाऊँगा, मुझे एक पर्टिकुलर मेरा वोट बैंक है, वो जब तक वोट बैंक की व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो ये सब कुछ हो जाएगा। जहाँ तक बेरोजगारी वाली बात तो ये है मैडम, मैं जब 5 साल का था तब से मैं बेरोजगारी सुन रहा हूँ, फिर मैंने 10th पास किया तब भी मैं बेरोजगारी सुन रहा था, तो बेरोजगारी तो कोई मुद्दा है ही नहीं। तो जैसे कि तो सरकार में जो अभी काम हो रहा है, बीजेपी सरकार में जो काम हो रहा है वो अच्छा चल रहा है, बाकी कांग्रेस सरकार में कोई काम हो रहा नहीं है, सब फर्जीवाड़ा चल रहा है, फोन दे के लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बना रही है सरकार। बाकी इसमें तो मोदी जी का जो भी काम हुआ, अभी धारा 300 ये हटाई, साल 5 साल में जो सत्ता होती है उसका एक ही बार चुनाव हो, क्योंकि बार बार ना तो ये रैलियां निकले और ये प्रचार प्रसार के चक्कर में इतने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा तो हार्म होते ही है ना, बहुत नुकसान होता है, कोई कोई शराब बांट रहा है, कोई पर्चे फैला रहा है, कोई पैसे तक बांटते हैं, यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शन होते हैं ना उसमें भी पैसे बांटते हैं लोग। और सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं, क्यों नहीं, अगर आपको कल वोट देना पड़ गया बताइए, और अगर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जनता का शासन है तो मैडम फिर जनता ही सुखी नहीं है, कभी कौन क्या कहता है, कभी कौन क्या कहता है, जनता ही पलटू है। और ये सबको जरूरत है तो हाथ जोड़ के घूमते हैं, बाद में हमको देखने कोई नहीं आता, इसके घर में मेहनत तो हमको करके ही खानी है, ठीक है, और देने तो कोई नहीं आएगा, ठीक है, खाली बोलते हम आपका ये करेंगे वो करेंगे, करता कोई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, लेकिन उनको एक बार तो 5 साल झेलना पड़ेगा ना, झेलना पड़ेगा, और फिर काम नहीं किया तो क्या करोगे, हमने कैंसिल उनको, वो तो 5 साल बाद होगा ना फिर, हाँ वो तो है ना, तो 5 साल तो झेलना पड़ेगा, फिर आपको झेलना ही पड़ेगा। अपनी सरकार में आप क्या चाहते हैं, जैसे जी अभी वर्तमान सरकार है ये सबको समान नहीं रखती, जैसे पहले वसुंधरा सरकार थी तो कुछ मोबाइल की स्कीम चली थी सबको समान रखा था, इस बार ये जो मोबाइल वाला चला है तो उसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, सबको नहीं दे रहे, ये उसको उसका है उसका, तो प्राइवेट आदमियों का क्या होता है, 6 महीनों में साल भर में अलग अलग जगह चुनाव हो रहे, वोट सही है क्या मैडम, यार मेरे पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं, मुझे पता ही नहीं, कैसे देंगे वोट, तो मैं दूंगा बीजेपी को देता हूँ, बीजेपी को दे दूंगा, फिर से लड़ो कुछ भी हो, ऐसा मोदी जी पसंद है बहुत। नमस्कार, मैं हूँ जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं CBC न्यूज राजस्थान। दोस्तों, जनता बोल कार्यक्रम का शुरुआत जो है वो हम करने जा रहे हैं, और इसमें जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, जनता बोलेगी और हम सब सुनेंगे और हम सब जानेंगे कि आखिर जनता क्या सोच रही है, अलग अलग मुद्दों पर इसमें बात होगी। और आज का जो मुद्दा हम लेकर निकले हैं वो बहुत ही बहुचर्चित मुद्दा है जो इस वक्त देश में बहुत चल रहा है, और वो है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव का मुद्दा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि एक नेशन एक चुनाव को लेकर के उन्होंने एक नई बहस छेड़ी है और ये होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जनता इस पर क्या सोच रही है, क्योंकि देखिए जब तक एक आम राय नहीं बन जाती है तब तक इसको अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल होगा। तो आज हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि एक देश एक चुनाव पर जनता क्या सोच रही है और क्या इसको कर पाना इतना पॉसिबल है, क्या ये कितना बेहतर है, नहीं है, कितना इसका समर्थन है, कितना विरोध है, चलिए इस पर लोगों से बात करेंगे और आप तक मैं लेकर आऊँगी वैसा का वैसा जैसा जनता चाहेगी। चलिए, क्या लगता है, वोट देते हो? नहीं, मैंने आज तक नहीं दिया। आज तक नहीं दिया, क्यों? देता ही नहीं मैं। कारण? भरोसा ही नहीं है किसी पर। किसी पे भरोसा नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि वोट देने का अधिकार हर नागरिक को है, हर भारतीय नागरिक को है, और अगर आप अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते तो इसका क्या कारण है, ये भी हम जानना चाहते हैं। इसका ये कारण है मैडम कि मुझे तो ये लगता है कि सेल्फ स्टार्ट है, हम तो जो करना हमें करना है, नेता तो कोई हमारे घर में खाने को डालेगा नहीं, हमें आते हैं हमें कमाते हैं हमें करते हैं, इसलिए हम किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करते। मोदी आया, मोदी के बारे में लोग गलत भी बोल रहे हैं सही भी बोल रहे हैं, हमने तो कभी ध्यान नहीं दिया, पहले कांग्रेस थी 70 सालों से, उसके बाद अभी मोदी आ गया, अब तो हम इतना इंटरेस्ट लेते ही नहीं मैडम। तो अभी क्या फर्क लगा? अभी तो फर्क तो क्या है, चल रहा है जो चल रहा है। तो इतना अविश्वास क्यों है नेताओं पे, ऐसा क्या हुआ है कि आपको इतना कि मुझे किसी नेता पे भरोसा नहीं है, मुझे वोट नहीं करना, ऐसा क्यों? भरोसा तो मैडम देखो किसी पे नहीं है, कांग्रेस पे भी नहीं है, बीजेपी पे भी नहीं है, एक ही राजा ऐसा हो जो पूरी कंट्री चलाए, जैसे फॉरेन कंट्रियों में होता है, जैसे आप दुबई ले लो, लोकतांत्रिक देश है ना, वो जो भी है मैडम देखो नॉलेज हमें इतना है नहीं, हम तो ये मानते हैं कि आदमी एक ही होना चाहिए और ऐसा आदमी होना चाहिए जो सबको समान बराबर अधिकार दे दे, कोई गरीब नहीं कोई अमीर नहीं,
सबके पास एक जैसी पुलिस होनी चाहिए, सबके पास एक जैसा हक होना चाहिए, तो वो नहीं बात। ये तो हमारा संविधान कहता है। हाँ, तो ये है नहीं ना अभी, लेकिन है नहीं क्योंकि तो वो वैसा आदमी लाना पड़ेगा जो कर दे। अच्छा, तो तानाशाही हो जाएगी फिर क्या करोगे अब मैडम? इतना तो फिर तानाशाही हो जाएगी। एक राजा लाओगे तो वो जो कहेगा वो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो जनता का शासन है। जनता का शासन है तो मैडम फिर जनता ही सुखी नहीं है। कभी कौन क्या कहता है, कभी कौन क्या कहता है, जनता ही पलटू है। अच्छा, ऐसा क्या करे अब? अच्छा, चुनाव एक होना चाहिए या बार बार हो रहे हैं अभी, वो सही है आपकी नज़र में? ये नहीं, एक ही कर दो, बार बार के नाटक खत्म करो। अच्छा, एक ही कर दो, ठीक है। जो एक ही आदमी दिखे टीवी पे। अच्छा, टीवी पे थोड़े थोड़े अंतराल में वोट देना ज़्यादा सही है। बिकॉज ऐसा होता है कि एक बार अपन ने वोट दे दिया, उसके बाद सरकार क्या कर रही है, अगर वो अपने साथ गलत भी कर रही है ना, तो अपन को पता नहीं पड़ेगा कि ये गलत करिए, अब इसको सरकार को चेंज कैसे करें। हाँ, वो होता है कि हाँ अपन सरकार चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा क्राइटेरिया हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि बीच बीच में देते रहे तो सही रहेगा। इससे सरकार को भी डर रहेगा कि है ना कभी भी हमारी सरकार गिर सकती है। हाँ, तो है ना, इससे उनको रहेगा कि हाँ जनता क्या चाहती है ना, वो उनको पता चल जाएगा कि हाँ जनता को इस जगह ये चाहिए, इसलिए हमें सरकार, और वो थोड़ा उनको रहेगा। बाकी क्या है, एक बार वोट दे देंगे, उसके बाद अगर वो काम कर भी रही है तो भी अपना राज अपनी सत्ता हो जाएगा। क्योंकि बाहर ठीक है, 5 साल तक तो अपना राज चले गई है, फिर चाहे इंसान मरो या करो कोई भी, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, वही वाला सीन हो जाएगा। और एक हिसाब से ये भी है, हाँ अगर एक ही बार अपन वोट देते 5 साल में, और अगर सरकार अच्छा काम कर रही है अपने लिए फिर ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर रही है तो उसका क्या होगा? फिर वो जाएंगे कहाँ पे बेचारे दूसरे जने? मौका मिलना चाहिए दूसरों को भी कि हाँ हम सरकार चेंज कर सकते हैं। अगर अंतराल में होंगे ना वोट, तो सरकार चेंज करने का हमें पूरा मौका मिल जाएगा कि हाँ ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, हमें नहीं सेट हो रहा है, किसी को भी सेट नहीं हो रहा है, चलो सरकार चेंज हो गई। क्योंकि देखते ना, गर्ल्स को बिल्कुल भी सेफ तो है भी नहीं है, सीधी बातें है ही नहीं है वो सेफ। सरकार क्या करती है, यही करती है हाँ बस एक्शन लेंगे लेंगे लेंगे, लेंगी नहीं वो, बस लेंगे, पता नहीं कब लेंगे, वो पता नहीं है, लेंगे एक ना एक दिन। और फिर वो 5 सालों में तो वह बेचारे किसी का कोई ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो बस बात चक्कर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, चप्पल घिसेंगे, दैट्स इट। इसीलिए वर्ग एक एक में थोड़े अंतराल में होते रहेंगे वोट तो ज़्यादा सही है। एक युवा होने के नाते, एक नई वोटर आप होने जा रही हैं, और आपके विज़न अभी से बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। आप वोट देंगी, क्या क्या देख कर आप वोट करने वाली हैं? सबसे देखो, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो गांव में क्या होता है कि वोट देने के बोलते कि आपको एक वोट का इतना रुपया मिलेगा, एक वोट पे ये चीज़ मिलेगी आपको, ऐसा होता है। मैं वो चीज़ नहीं, लालच मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को जो बेस्ट होगा उसको मैं दूंगी। और मेरा वोट है, मेरा मत, मेरा अधिकार, मैं क्यों बताऊँ किसी को कि मैं इसको वोट दूंगी या किसी के कहने पर मैं क्यों दूंगी वोट? मैं नहीं देने वाली हूँ। जो मुझे सही लगेगा कि हाँ ये बंदा सही है हमारे गांव के लिए, ये डेवलपमेंट कर सकता है, उसी को दूंगी। क्योंकि पहले क्योंकि जन वो बोलते ना नेता के वादे, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और मैं करती भी नहीं हूँ। वेरी नाइस। आपसे भी सेम सवाल है, क्या सोचती हैं एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर, क्या बोलेंगे? एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर मेरा तो इससे बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 5 साल में जो सत्ता होती है उसका एक ही बार चुनाव हो। क्योंकि बार बार ना तो ये रैलियाँ निकले, और ये प्रचार प्रसार के चक्कर में इतने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा तो हार्म होते ही है ना, बहुत नुकसान होता है। कोई शराब बांट रहा है, कोई पर्चे फैला रहा है, कोई पैसे तक बांटते, यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शन होते ना उसमें भी पैसे बांटते लोग। और इसलिए मेरा मानना तो ये कि 5 साल में एक ही बार चुनाव होना चाहिए। क्योंकि अब ये टुकड़ों टुकड़ों में जो चुनाव होते ना, उसमें ये होता ना कोई भी अपने ऊपर भार नहीं लेता। अपन को कोई काम है, अपन ने किसी एक गवर्नमेंट को बोला है, तो वो ये सोचते कि चलो क्या है, हमारा तो 6 महीने 1 साल है, उसके बाद तो दूसरा आएगा वो संभालेगा। इससे हमारी सुनवाई तो होती नहीं, ना ही हमारा काम टाइम पे होता है। इसलिए मतलब 5 साल में एक ही बार होना चाहिए, और सारे क्राइटेरिया देखना चाहिए कि भाई इंसान, जैसे हमारे सरपंच के चुनाव होते हैं, उसमें क्या सरपंच कभी पढ़ी लिखी नहीं है, तीसरी पास है, अब तीसरी पास क्या करेगी वो? उनको कभी ना पंचायत में साइन के लिए जाना पड़े ना, तो पता चला सरपंच बकरियाँ जरा रही है। अब ऐसे में फिर हम क्या मंगरे दौड़ेंगे उनसे साइन करवाने के लिए? इसलिए पूरा क्राइटेरिया देखो, और वो पढ़ी लिखी है कि नहीं है, एजुकेटेड होनी चाहिए, और नेचर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मतलब लोगों के प्रति ऐसा तो होना चाहिए ना कि नेचर होना चाहिए। अपनी सड़कें टूटी है, हमें क्या करना है? नई सरकार आने वाली 6 महीने, हमारा तो 3 महीना निकल गया, 3 और निकल जाएगा, ऐसे काम नहीं होता। इसलिए 5 साल में एक ही बार चुनाव हो, पर एक ही बार तरीके से हो, ताकि वो हमारी सारी सुनवाई करें, हमारे काम सारे प्रॉपर करें, और हमारा थोड़ा बहुत ध्यान करें, एजुकेशन पे भी ध्यान दें। बाकी यूँ ही है ना कि टुकड़े टुकड़े में चुनाव हो रहे, तो सब एक दूसरे के ऊपर डालते जाते। अपने घर में भी होता है ना कि आज मम्मी ने बोला या आज हमें ये काम करना है, तो अपनी 3 बहनें हैं, तो मान लिया अपने 3 बहनें हैं, तो वो लेगी वह ये काम तो वो कर लेगी, फिर वो अभी दूसरी बड़ी कहा तो छोटी वाली कर लेगी। जवाबदेही कोई नहीं लेता है, मतलब कोई अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है कि हाँ ठीक है ये सड़क टूटी तो मुझे बनानी है। अपन ने एक को एप्लीकेशन दी, वो सोचता है कि चलो वार्ड
वार्डपंच करवाएगा, वार्डपंच बोलेगा मुझे क्या करना, मैं तीन महीने निकल गए, तीन और निकलेंगे, उसके बाद नई सरकार आने वाली है और तीन महीने जनता को डालते जाएंगे। इसलिए एक बार ही चुनाव होना चाहिए और वो भी सारे तरीके से सब कुछ देखभाल के फिर होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपकी जानकारी, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायत के चुनाव इससे अलग रखे जाते हैं, बात यहाँ पे विधानसभा और लोकसभा चुनावों की हो रही है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन वाला भी कॉन्सेप्ट अगर अप्लाइड होता है तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव कोई से भी हो सब एक ही बार होने चाहिए, क्योंकि विधानसभा लोकसभा का तो भी रैलियाँ तो निकलेगी, वो का वो भीड़ है, सब तरफ ट्रैफिक का ट्रैफिक लगा रहता है। आपने उदयपुर में ट्रैफिक का कितना इशू है, हमारे यहाँ प्रतापनगर में तीन तीन दिन तक ट्रैफिक नहीं खुलता, ऐसी दिक्कत रहती है। और एक बार जो रैली निकल गई वो जाम फिक्स है, 4 घंटे 5 घंटे कहीं नहीं गया सुबह से शाम तक। ऐसे तो बार बार हो वो अच्छा है, कैसे, क्योंकि हर साल सब नया नया जानने मिले। 5 साल तक तो देखो हम मेरा ही दाखिला दूँ, मैंने रास्ते के लिए कितनी बार बोला तो अभी तक ध्यान ही नहीं दिया, मैंने अभी सोचा मैं वोट किसी को दूंगी नहीं। अच्छा, तो कोई ध्यान देता नहीं, कोई बात ऐसे सोचते अच्छा अच्छा वोट देना नहीं, बोलते लोग हर साल चले तो अच्छा है, फटाफट वो न्यू है ना तो जल्दी ध्यान में रहे, और 5 साल में लोग क्या कहते भूल जाते हैं, और नेता वापस आएंगे नहीं आएंगे, वापस आएंगे नहीं, और ये सबको जरूरत है तो हाथ जोड़ के घूमते हैं, बाद में हमको देखने कोई नहीं आता, इसके घर में मेहनत तो हमको करके ही खानी है, ठीक है, और देने तो कोई नहीं आएगा, ठीक है, खाली बोलते हम आपका ये करेंगे वो करेंगे, करता कोई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। 5 काम के लिए हमने बोला कोई काम हमारा नहीं हुआ तो मैंने अभी छोड़ दिया है, तो अभी वोट देंगे कि नहीं, मैंने अभी सोचा मैं वोट नहीं दूंगी, ये तो हमारा वोट देना तो हमारा अधिकार है, अगर हम वोट नहीं देंगे तो फिर एक मत हमारा बहुत इम्पोर्टेंट वो चला जाए, वो तो मैं भी समझती हूँ बहुत जरूरी है आपके लिए, सरकार बन जाती बिगड़ जाती बिगड़ भी जाती है ना, तो वोट तो जरूर देना है, पर मैम ऐसे मन दुख हो जाता है तो ऐसे लगता है नहीं देंगे, ऐसे हो जाता है दे तो हमको विश्वास होता है कि हमारा कुछ काम हो तो अच्छा है, ऐसे तो है नहीं तो मन खट्टा हो जाता है, मेरे को नहीं करने का बस ये लोग। अच्छा, अभी क्या समस्या है आपके इधर, क्या समस्या है? हमारे में थोड़ी थोड़ी सबकी समस्या है, किसी के रास्ते वो घर जाने के रास्ते नहीं है, ऐसे है सड़कें नहीं है, किसी को गेहूँ नहीं मिल रहे, किसी की पेंशन की प्रॉब्लम है, मतलब सब समस्या है थोड़ी थोड़ी, मतलब है। अच्छा, किसको वोट देने वाले वो तो अभी तक सोचा नहीं है किसी ने। काम किसके अच्छे हो रहे हैं? काम तो अभी सब भाजपा के अच्छे हो रहे हैं वैसे, पर आधे बोलते हैं अभी नहीं होंगे, ये करता नहीं वो नहीं करता ऐसे। मैम यूँ देखा जाए तो वन नेशन वन, एक बार इलेक्शन हो जाए यूँ सोचते हैं, अच्छा है यूँ तो सोचते हैं अपन, पर अपना वोट देने अभी भी अपन वोट देते हैं तो नेता लोग तो आते हैं नहीं, जब वोट मांगने होते हैं 6 महीने अभी रहे 4 महीने रहे तो घूमते सब हो गए हैं चालू, कोई नहीं आता है। मॉब साल 10 साल से महंगाई भी चल रही है, कोई मुद्दा नहीं है, अब 9 साल तक लूटा है, 10 साल शासन करने के बाद में 9 साल तक लूटने के 6 महीने या 4 महीने राहत देना, मतलब कि वही चीज़ें हैं आपके अंगूठे पर घुट चिपकाने वाली बात है वोट लेने के लिए। बाकी वन नेशन के पक्ष में मैं तो नहीं हूँ, जैसे पर मैम लोग आएंगे ही नहीं है, इनकी गरज खत्म हो जाएगी, जनता की गरज बिल्कुल करेंगे नहीं है, उनको पता है अपन को लास्ट टाइम जाना है और महंगाई थोड़ी कम कर देंगे, वो उधर उधर मुद्दा भटका देंगे, बाकी जो वास्तविक महंगाई है बेरोजगारी है ये जैसे वास्तविक दरअसल पे ओरिजिनल मुद्दे यही है, उसकी कोई बात नहीं करेगा। वैसे मैम आपका बिल्कुल मैं फ्रेंड हूँ, मैं बिल्कुल सीबीसी न्यूज़ देखता हूँ तो, और आपको देख के ही मैं इधर आया, मैंने कहा एक बार तो चलो मीडिया पे आ जाए। थैंक यू बिल्कुल समर्थन है ना मैडम, क्योंकि जो न्यूज़ में मैंने पढ़ा था उसमें स्टार्ट के हमारे जब इलेक्शन हुए थे जब देश आज़ाद हुआ था तो मोस्टली काफ़ी साल तक हमारे यही होते थे, है ना, अभी कितना एसेट्स जाता है, कितना सरकारी नौकर जो है नौकरशाही उनको इधर उधर करना पड़ता है, हर 2 महीने में 6 महीने में वहाँ पे आचार संहिता लगी वहाँ पे आचार संहिता लगी, तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट हो, ये कर देना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए इसको। जो लोग समर्थन के बारे में सोचते हैं तो कहीं आपको नहीं लगता ये भी सोचना चाहिए कि जो नेता बड़ी मुश्किल से आम जनता में शक्ल दिखा पाते हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि रह रहकर चुनाव आते हैं, अगर ये चुनाव बार बार नहीं होंगे तो आपको लगता है नेता शक्ल दिखाने वाले हैं 5 साल तक? नहीं मैम, काफ़ी चीज़ें बदलने में समय लगेगा, मैं ये मान के चलता हूँ कि नेताओं को जब तक ये लगता है ना कि मैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे जाऊँगा, मुझे एक पर्टिकुलर मेरा वोट बैंक है, वो जब तक वोट बैंक की व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो ये सब कुछ हो जाएगा, और मेरे हिसाब से होपफुल रहना चाहिए हमको, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब आप समर्थन में हैं? मैं 101% समर्थन में। सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं, क्यों नहीं, अगर आपको कल वोट देना पड़ गया बताइए, और अगर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि 5 साल में एक ही बार चुनाव होना सही है या अभी जैसे थोड़े थोड़े अंतराल पे चुनाव हो रहे वो सही है? 5 साल सही है मैडम, सही है 5 साल वाले सही है, 5 साल में एक बार क्यों? अब गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है काफी टाइम से, इसको हम क्या तोड़े,
पाँच साल बढ़िया हो रहा है, चल रहा है, अपना देश प्रगति भी कर रहा है, प्रोग्रेस भी कर रहा है। बना क्या रखा है अभी तो ये नया कॉन्सेप्ट? पाँच साल तो ऑलरेडी है ना मैम, पाँच साल है, समझे नहीं। जैसे अभी अलग अलग, जैसे आज यहाँ छत्तीसगढ़ में हो रहा है, आज राजस्थान में हो रहा है, कल वहाँ हो रहा है, अलग अलग क्या सभी चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए? पाँच साल में एक ही बार वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब समझ रहे हैं आप? एक ही साथ विधानसभा और लोकसभा की सरकारें चुन ली जाएंगी, बराबर बराबर, वो सही है? या अभी जिस तरीके से हो रहा है बार बार छह महीनों में साल भर में अलग अलग जगह चुनाव हो रहे, वो सही है? इंटरेस्टेड नहीं, मुझे पता ही नहीं। वोट तो मैं दूंगा बीजेपी को, देता हूँ बीजेपी को दे दूंगा, फिक्स है, कोई भी लड़ो, कुछ भी हो, ऐसा मोदी जी पसंद है बहुत। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, क्या क्या काम करवा दिए मोदी जी ने? बहुत अच्छे मोदी ने बहुत काम किया मैडम, डेवलपमेंट अच्छा किया। सबसे पहले तो कश्मीर का वो 370 हटा दी उन्होंने, ठीक है, उसके बाद देश में अच्छा विकास भी हुआ है, उन्होंने अच्छी स्मार्ट सिटी बनाई, उदयपुर भी बनाई, देखो स्मार्ट सिटी बनाई। हाँ ठीक है, उसका काम हो गए, काम चल रहा है ना, उन्होंने प्रोग्रेस में है ना, हो तो रहे ना, कलेक्शन में घूमता हूँ दिन भर, यही घूमता हूँ, कलेक्शन करता हूँ दिन भर, यही घूमता हूँ। कलेक्शन करते हो, सड़कें काम चल रहा है ना मैम, कहाँ काम नहीं चल रहा बताओ मुझे। अच्छा, अभी ओल्ड सिटी घूम रहे हो? ओल्ड सिटी में तो वहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया होता है, आम आदमी के नाते बताओ कि स्टेट गवर्नमेंट का काम है। हाँ। उसके बाद सेंट्रल का काम तो हाईवेज का है, उसके बाद हाईवे देखो आप, हाईवे कितना बना दिया आज हमने, उधर 6 लाइन बन गए, उधर 8 लाइन बन रहे हैं, हाईवे सारे अच्छे हो गए, वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या कहेंगे सर? रह रहे कर कुछ अंतराल में चुनाव होने चाहिए या पाँच साल में एक ही बार वोट दें? पाँच साल में एक ही बार होना चाहिए, हमेशा का झंझट खत्म होना चाहिए, इससे देखो देश का पैसा भी बचेगा, बार बार इलेक्शन करने पे सारी फोर्सेस लगानी पड़ती है, सारा मशीनरी लगानी पड़ती है, सब कुछ लगाना पड़ता है, बार बार हर छः महीने में इलेक्शन होगा तो फिर विकास के काम कब होंगे? बिल्कुल, अगर एक बार इलेक्शन हो गया तो पाँच साल फिर विकास का काम ही करो, डेवलपमेंट करो, जो भी करना है वो करना चाहिए। आपको लगता है सर कि जवाबदेही सरकारों की कम हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो? क्या ऐसा लगता है? नहीं, क्योंकि पाँच साल तक वापस अगर कोई नेता नज़र नहीं आया, जैसा कि हम अमूमन आरोप लगाते हैं कि नेता एक बार चुन लेते हैं फिर नज़र नहीं आते, तो पाँच साल तक नज़र नहीं आना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो बात सही आती है, लेकिन जवाबदेही वापस बढ़ भी जाएगी ना उनकी, अगले पाँच साल में वापस कब जाएंगे? पाँच साल तक जनता रहीम मचाएगी उसका क्या? नहीं तो विपक्ष भी तो रहेगा, वो क्या करेगा? विपक्ष आवाज़ उठाता है, लेकिन हाथ में तो उनके। दूसरी बात ये कि दो तरह के मुद्दे होते हैं लोकसभा चुनावों में, आप जानते हैं राष्ट्रीय मुद्दे काम करते हैं और विधानसभा में स्थानीय मुद्दे काम करते हैं, तो क्या ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि एक ही इलेक्शन से या तो राष्ट्रीय मुद्दे खत्म हो जाएंगे या फिर स्थानीय मुद्दे खत्म हो जाएंगे? आप या तो राष्ट्रीय मुद्दों को देखकर वोट देंगे जैसा कि उन्होंने कहा अभी 370 तो, या फिर स्थानीय खत्म हो जाएंगे? वोट तो अलग अलग ही पड़ेंगे ना, भले एक इलेक्शन एक साथ होंगे, एक साथ होंगे पर वोटिंग तो अलग अलग होगी ना, सेंटर के लिए अलग पड़ेगी, स्टेट के लिए अलग पड़ेगी वोटिंग, तो जनता तो ऐसे ही समझता रहेगा हमें किस पे देना, सेंटर के लिए किसको देना है, आप उसके लिए इलेक्शन। एक चुनाव और एक देश होना भी जरूरी है, देश तो एक ही है, देश चुनाव एक ही होना चाहिए, अलग अलग एक ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपका क्या कारण है ऐसा कहने के? मेरा तो ये कारण है कि मेरे हिसाब से तो सही है, कारण होगा ना भाई, क्यों? मैं इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ, नहीं ऐसा तो मेरे को कोई नहीं है, मगर देश के हिसाब से तो अच्छा है, अच्छा है, पाँच साल में एक बार चुनाव होना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए, और अगर फिर सरकारों ने मुड़ के नहीं देखा, अगर जनता को परेशानी हुई, अगर जनता की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं हुआ, फिर किसके पास जाओगे? नहीं इसे तो जैसे कि तो सरकार में जो अभी काम हो रहा है, बीजेपी सरकार में जो काम हो रहा है वो अच्छा चल रहा है, बाकी कांग्रेस सरकार में कोई काम हो रहा नहीं है, सब फर्जीवाड़ा चल रहा है, फोन दे के लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बना रही है सरकार, बाकी इसमें से मोदी जी का जो भी काम हुआ अभी धारा 300 ये हटाई, कौन सी 300 तो धारा 370 कौन सी बोलते हैं 300? आप बताओगे, आपको पता मोदी जी बड़ा काम कश्मीर में वो धारा जो हटाई, धारा 370 क्या बोल रहे, मैं बड़ा भूल गया मैडम, बताना पड़ेगा, आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हो? नहीं तारीफ तो मैडम मैं ये कर रहा हूँ, कश्मीर में और अयोध्या मंदिर भी बना अभी हमारे, तो इससे क्या है कि सबको फायदा भी है, और फायदा ये है कि कितने सालों से ये मंदिर नहीं बन रहा राम भूमि, और बाकी तो मोदी जी सबके देश के लिए तो अच्छा काम कर रहे हैं। आम आदमी, आप मैं आम आदमी, बिल्कुल जमीन से जुड़ी बात है, ये लोग आम इंसान, इनको क्या मिला है? जमीन से जुड़े हुए लोगों को सबको ये फायदा हुआ है अभी कि अभी रेप केस बहुत हो रहे हैं, ये फायदा नहीं इसमें कांग्रेस सरकार में जो रेप केस हो रहा है तो मोदी सरकार इसे वो अच्छे फायदा कर रखा है कि आतंकी में कोई लूटपाट नहीं होना चाहिए, इसे काफ़ी देश में बहुत फायदा भी हुआ है। रेप में आतंकी लूटपाट मामले अलग अलग हो गए दोनों,
पूरे देश में हो रहे हैं रेप केसेस हो रहे हैं, मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कांग्रेस राजस्थान में हो रहे हैं मगर कांग्रेस सरकार में ये कारनामे ज्यादा हो रहे हैं मैडम। अच्छा बिल्कुल, बाकी बीजेपी में ये कारनामे नहीं होते है। एक ही बार में हो जाए अच्छा है, टाइम वेस्ट नहीं होता है, और एक ही बार में सरकार राज्य की भी बन जाती है और केंद्र भी बन जाता है, अच्छा है पब्लिक, ये अच्छा है पब्लिक के लिए। अच्छा फिर अगर 5 साल तक अगर सरकार ने आपको शक्ल नहीं दिखाई, अगर जनता उसमें परेशान होती रही 5 साल के दौरान किसी भी बात को लेकर के, जैसे रोजगार हो गया या कोई भी मुद्दा, तो फिर आप किसके पास जाएंगे? हम ऐसी सरकार का वोट भी नहीं देंगे। अच्छा चुन के आप वो चीज कह रहे हैं? अच्छा क्या देखेंगे, क्या देखेंगे जब आप वोट देंगे अपनी सरकार में, आप क्या चाहते हैं? जैसे ये अभी वर्तमान सरकार है ये सबको समान नहीं रखती, जैसे पहले वसुंधरा सरकार थी तो कुछ मोबाइल की स्कीम चली थी सबको समान रखा था, इस बार ये जो मोबाइल वाला चला है तो उसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं, सबको नहीं दे रहे, ये उसको उसका है उसका, तो प्राइवेट आदमियों का क्या होता है? समान नहीं रख रही है सरकार, इसलिए हम सरकार से खफा भी है। हम तो ऐसे सरकार देंगे जो सबको समान रखे, उसका वोट दें, ये हमारे इच्छा है। अच्छा ठीक है, चलना चाहिए, क्यों ऐसा? एक एक जना को बनाते तो कोई काम तो करते नहीं, एक बार कर लेते उसके बाद कुछ करते ही नहीं, तो अपन सोचते और दूसरा आएगी सरकार तो कुछ करेगी। और तो आप ये मानते हैं कि ऐसे मतलब एक बार में चुन लेंगे तो कोई काम होना नहीं है ऐसा? नहीं हो तो जाता है हाँ। पर मतलब हमारे होते ना तो अलग अलग सरपंच होते हैं, कोई वार्डपंच होते हैं, वो बीच में खा जाते हैं, तो सही ढंग से करते नहीं, उनको हम समझते हैं कि दूसरे आए तो ठीक। नहीं यहाँ पे बात ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं की नहीं हो रही है हाँ। यहाँ पे बात हो रही है विधानसभा और लोकसभा की। विधानसभा में अभी है जो सीट ठीक है, सही वही सही है हाँ। अच्छा अदल बदल हो गई तो मालूम पड़ता है आपने को कि ये सरकार कैसी है और ये सरकार कैसी है। अच्छा और अगर ऐसा हुआ जैसे हम जनता क्या करते हैं, एक बार हमने चुन लिया और उसके बाद अगर 5 साल तक किसी नेता ने आपको शक्ल ही नहीं दिखाई फिर क्या करेंगे? तो उसको लाने का मतलब ही नहीं है ना। तो वही तो हम कह रहे हैं कि रह रहे कि चुनाव होना ज्यादा सही है या 5 साल में एक बार चुन लिया वो सही है? 5 साल में एक बार चुनना जो सही है वही सही है हाँ। फिर दिखाएंगे नहीं शक्ल तो काम, अगर जनता को कोई परेशानी हुई तो क्या करेंगे? वो परेशानी हो गई तो फिर उसके बाद मतलब ही नहीं है उनको लाने के लिए। तो फिर अगले 5 साल बाद आप वापस विरोध दर्ज कराओगे? नहीं ऐसा नहीं है, जैसे अभी 5 साल के अंदर अपन लेके आ गए, आने के बाद उन्होंने अपना पब्लिक की तरफ अच्छी सुविधा की तो उनको लाने में कोई हरकत नहीं है हाँ। और सेकंड बार भी ला सकते हैं उनको हाँ। लेकिन उनको एक बार तो 5 साल झेलना पड़ेगा ना हाँ, झेलना पड़ेगा। और फिर काम नहीं किया तो क्या करोगे? हमने कैंसिल उनको वो तो 5 साल बाद होगा ना फिर हाँ, वो तो है ना, तो 5 साल तो झेलना पड़ेगा हाँ, फिर आपको झेलना ही पड़ेगा है ना हाँ। तो जवाब दे ही सरकारों की रहे ना रहे वो हाँ सही है ना, जनता के प्रति थोड़ा सा वो, पर आप सहमत हो कि 5 साल में एक बार होना चाहिए।